तो फाइनली जैसा मैंने बोला था वैसा हुआ, और यहाँ पर अगर वो बात सच हुई है तो आप लोग फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जी हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल गैजेट फ्रीक पे। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे EMUI 9.1 जो कि एक बहुत बड़ा हाइप बना हुआ है। काफ़ी समय से, काफ़ी टाइम से लोग वेट कर रहे हैं कि कब आएगा, नहीं आएगा। हुआवे गूगल का क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है? तो सबसे पहले मैं हुआवे और गूगल वाला यहाँ जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर दूँ। हुआवे और गूगल का जो यहाँ प्रॉब्लम चल रहा है वो अब सॉर्ट आउट हो चुका है। US गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है कि अब आप यहाँ बिजनेसेस कर सकते हैं। UK गवर्नमेंट ने भी वहाँ पर क्लीन चिट दे दिया है कि आप हमारे यहाँ भी बिजनेस कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट, हुआवे और गूगल का जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गया है। अब बात कर लेते हैं EMUI 9.1 की, जो कि हम लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, और आई नो कि ऑनर 8X यूज़र जो है सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि ऑनर 8X में EMUI 9.1 कब आएगा। तो यहाँ पे फाइनली हुआवे ने पहली बार ट्वीट किया है, यहाँ पे कुछ रेस्पॉन्सेज दिए हैं, काफ़ी लोगों को रेस्पॉन्स मिल चुका होगा, और इनफैक्ट मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोगों को ट्विटर पे भी, जिन लोगों ने सवाल किए होंगे हुआवे के साथ या ऑनर इंडिया के ट्विटर पेज पे, उन लोगों को भी यहाँ पे रेस्पॉन्स मिला होगा कि आखिरकार कब रिलीज़ होगा। तो यहाँ पे मैंने जो आपसे बात किया था आज से करीबन एक महीने पहले, डेढ़ महीने पहले ऑलमोस्ट, सो वो बात यहाँ सच होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे मैंने जून में आपको बोला हुआ था कि यहाँ पे जून एंड तक में दिखेगा, जून फर्स्ट वीक में मैंने आपको बताया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआवे और गूगल के प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे जून में रिलीज़ नहीं हुआ, और मैंने आपको डेट दिया था कि जुलाई एंड तक में यहाँ पर आपको EMUI 9.1 देखने को मिल जाएगा, जो कि हुआवे और ऑनर इंडिया ने भी यहाँ पर कन्फर्म कर दिया है फाइनली, और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे ट्विटर पे भी यहाँ पे रेस्पॉन्सेस मिल रहे हैं कि EMUI 9.1 यहाँ पे जुलाई 30 तारीख से, जी हाँ पक्का यहाँ पे डेट उन्होंने दिया है, 30 तारीख से रोल आउट शुरू हो जाएगा इंडिया में। अब 30 तारीख को ऐसा नहीं है कि ऑनर 8X को ही मिलेगा, 7X को ही मिलेगा, P20 को मिलेगा या फिर किसको मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला बैच जो उनका मेट 20 सीरीज वाला है, यहाँ पे पहला बैच तो रोल आउट हो ही चुका है। अब बात कर लेते हैं दूसरे हैंडसेट्स, ऑनर 8X हो गया, ऑनर प्ले हो गया, या फिर P10, P10 Pro हो गया, ऐसे बहुत सारे हैंडसेट्स हैं हुआवे और ऑनर के। तो यहाँ पे इनको अपडेट्स मिलेंगे, 30 जुलाई से शुरू हो जाएगा, और अगस्त में यहाँ पे ऑनर 8X और अलग अलग जो डिवाइसेस हैं उनको भी मिलना शुरू हो जाएगा। लिस्ट मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि EMUI 9.1 कौन कौन से हैंडसेट्स को मिलेंगे, और यहाँ पे अगर कुछ और अपडेट्स मेरे पास आते हैं कौन कौन से हैंडसेट्स को मिलेंगे तो उसका भी आपको एक अलग से वीडियो बना करके दे दिया जाएगा। तो फाइनली EMUI 9.1 यहाँ पे ऑनर 8X और P20 या P सीरीज़ के जो मेट सीरीज़ के हैं, ऑनर प्ले हो गया, ऐसे डिवाइसेस को यहाँ पे 30 जुलाई से मिलने शुरू हो जाएंगे। अगस्त में ऑनर 8X ऑनर प्ले को मिलने वाला है। आपको फीचर्स के बारे में पता ही होगा कि यहाँ पर ये पूरा AI बेस्ड होने वाला है, यहाँ पर आपको वीडियो एडिटर मिलने वाला है इनसाइड द सॉफ्टवेयर ओनली, तो एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। और यहाँ GPU टर्बो 3.0 का सपोर्ट मिलेगा, और एक और चीज़ निकल करके आ रही है कि यहाँ पे फोर्टनाइट का भी सपोर्ट आपको दिया जाएगा GPU टर्बो 3.0 में। तो है ना ये कमाल की अपडेट, तो बहुत मैं भी एक्साइटेड हूँ कि ये अपडेट जल्दी आए और इसमें क्या क्या नया चीज़ देखने को मिलेगा, ताकि मैं आपके साथ वो सारी चीज़ों को शेयर कर सकूँ, उसके हिडन फीचर्स, हिडन ट्रिक्स, और कैसा उसका परफॉर्मेंस रहेगा अपडेट के बाद, इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे मैं जल्द से जल्द शेयर करना चाहता हूँ। तो ये न्यूज़ आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप में से कितने लोगों ने ट्विटर पर ट्वीट किया था ऑनर इंडिया को आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और कितने लोगों को रिप्लाई मिला है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो भी मैंने आपको जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, और ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।